नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि फोटोशॉप के अंदर मैट पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे यहां पर एक फोल्डर है जिसका नाम है मैट पेंटिंग और इसके अंदर मैंने चार इमेजेस रखी हुई है जिसमें दो इमेजेस हट की है, एक रिवर है और एक माउंटेन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं माउंटेन जो कि मैं बैकग्राउंड के लिए यूज करने वाला हूं, सबसे पहले इस इमेज को ओपन करूंगा। तो इमेज को ओपन करने के लिए राइट क्लिक, ओपन विद अडोब फोटोशॉप। ओके, अब इस माउंटेन की इमेज पर एक और इमेज ऐड करने के लिए यानी कि कंपोजिशन के लिए हम यूज करेंगे फाइल मेन्यू में प्लेस। प्लेस के अंदर फिर उस फोल्डर में जाते हैं और इस बार ही मैं यूज करूंगा रिवर। लेकिन दोस्तों रिवर के लिए यहां पर स्पेस भी तो होना चाहिए, तो इसके लिए मैं फोटो प्लेस करने से पहले क्या करूंगा, जाऊंगा इमेज मेन्यू में, कैनवस साइज के अंदर जो कि इमेज का एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करेगा। इसके लिए सिर्फ मुझे इस इमेज की हाइट को इंक्रीज करना है। मैं लगभग इसे कर देता हूं 25, हाइट 25 हो गई। दूसरा इसके अंदर आता है एंकर। एंकर अगर सेंटर में है तो जितनी अमाउंट मैंने इंक्रीज करी है वो हाफ नीचे और हाफ ऊपर क्रिएट होगी। अब रिवर मुझे आसमान में तो सेट करनी नहीं होगी, तो मैं इसको नीचे ही सेट करूंगा, इसलिए मैं डायरेक्शन को कर दूंगा बॉटम में और एंकर पॉइंट रखूंगा टॉप पर। ओके, तो एक्स्ट्रा स्पेस अब मुझे मिल चुका है जिसमें मैं रिवर सेट कर सकता हूं। तो इसके लिए मैं जाऊंगा फाइल मेन्यू में प्लेस और यूज कर लेता हूं इस रिवर वाली इमेज को। जब आप किसी भी फोटो को प्लेस करते हैं तो ऑटोमेटिक इसमें ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ जाता है। ट्रांसफॉर्म के जरिए आप फोटो को मूव, रोटेट या स्केल कर सकते हैं। तो यहाँ के जो कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं आपको चारों साइड के, ये स्केल करने के लिए यूज किए जाते हैं। बाकी अगर आप इस कॉर्नर से थोड़ा सा और डिस्टेंस ले लोगे तो रोटेट का ऑप्शन आ जाता है। ओके, तो इसको मैं स्केल करूंगा शिफ्ट प्रेस करके ताकि इस फोटो का जो मेजरमेंट है वो खराब ना हो। तो कंप्लीटली इस फोटो को मैंने स्केल कर लिया है पूरी इमेज की विड्थ के अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे ये देखना है कि इस फोटो में जो जमीन है वो पीछे की फोटो की जमीन के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो इसके लिए मैं इस लेयर पैनल की ऑपेसिटी में जाकर इसकी ऑपेसिटी कम करके देख सकता हूं। मैंने जो फोटो प्लेस करी है उसका ग्राउंड ये दिखाई दे रहा है और इस माउंटेन का जो ग्राउंड है वो यहां पर है। तो मैं क्या करूंगा, इस इमेज को थोड़ा सा ऊपर मूव करूंगा। ये पोजीशन सेट करना इमेज के मेजरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सही पोजीशन ये है इस इमेज की। ओपेसिटी वापस फुल कर लेते हैं और ट्रांसफॉर्म को क्लोज करने के लिए यूज करेंगे एंटर। तो दोस्तों नीचे अब मेरे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस छूट चुका है जिसे मैं क्रॉप टूल के जरिए क्रॉप कर लूंगा। लेकिन अभी जो मेरा क्रॉप ऑप्शन है वो 1/1 पर यानी कि स्क्वायर पर सेट है। मैं इसको मैन्युअली अब सेट करूंगा। तो मेरा जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो मैंने क्रॉप के जरिए हटा दिया है। क्रॉप को कंप्लीट करने के लिए एंटर प्रेस किया जाता है तो नीचे का पार्ट कट हो जाएगा। अब वापस मैंने मूव टूल ले लिया। अब यहां पर मेरी इमेज में दो दो आसमान दिखाई दे रहे हैं और यहां पर छोटा माउंटेन और यहां पर बड़ा माउंटेन। तो मुझे क्या करना है, ये नीचे वाले स्काई और माउंटेन को इरेज करना है। तो इसके लिए हम इरेजर का यूज कर सकते थे लेकिन जिन फोटो को प्लेस किया जाता है उनमें इरेजर और कई सारे टूल्स ऐसे हैं जो वर्क नहीं कर सकते, इसलिए हम यूज करेंगे इसके अंदर लेयर मास्क। लेयर मास्क आपके लेयर पैनल के बॉटम में थर्ड ऑप्शन पर आएगा। क्लिक करते ही आपकी फोटो के साथ में एक व्हाइट बॉक्स और क्रिएट हो जाएगा।
लेयर मास्क दोस्तों इरेज करने के लिए या एक तरह से कहूँ तो प्रॉपर कंपोजिशन के लिए लेयर मास्क का यूज किया जाता है। लेयर मास्क में आपको एक वाइट स्क्रीन मिलेगी, इसमें हम यूज करते हैं ब्रश टूल का और यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर का। ब्लैक कलर यूज किया जाता है इरेज करने के लिए और व्हाइट कलर यूज किया जाता है इसको वापस ठीक करने के लिए। तो अगर गलती से आपसे कोई इमेज या कोई पार्ट मिट जाता है तो इरेजर उसको ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मास्किंग के थ्रू हम उसको रिकवर कर सकते हैं। तो अब चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए मैं ब्रश का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा और हार्डनेस कर दूंगा कम, क्योंकि ग्रास को कंपोज करने के लिए हमें कोई शार्प ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए वापस मैंने ब्लैक कलर ले लिया। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को स्विच करने के लिए यूज किया जाता है एक्स। तो आसानी से मैंने एक ग्राउंड को दूसरे के साथ एडजस्ट कर दिया। डिफरेंस है तो सिर्फ कलर का, बाद में मैं आपको इसके कलर को भी एडजस्ट करना बताऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इमेज पर। इसके लिए जाएंगे फाइल मेन्यू में प्लेस और ले लेते हैं यहां पर हट की इमेज। इसको भी शिफ्ट का यूज करके मैं स्केल करूंगा और सेट कर दूंगा यहां पोजीशन पर। इसके अंदर दोस्तों पोजीशन के साथ साथ साइज भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी इमेज का व्यू है इसके अकॉर्डिंग ये हट इतने ही साइज का दिखना चाहिए या इससे बड़ा या इससे छोटा। तो ये आपको खुद ही कंपेयर करना होगा आपकी इमेज के अकॉर्डिंग। तो सही पोजीशन दे देते हैं। ओपेसिटी कम करके आप देख सकते हो कि पोजीशन ठीक है या नहीं। एंटर। ओके, अब इस इमेज में भी बैकग्राउंड शो कर रहा है, यहाँ पे ट्रीज और स्काई शो कर रहे हैं। तो मुझे इसको मिटाने के लिए भी एड लेयर मास्क करना होगा। इसमें भी ब्रश टूल यूज करेंगे और पीछे का स्काई हम इरेज कर देंगे। इसमें मुझे साइज छोटा और ब्रश हार्ड रखना होगा, क्योंकि हट का जो रूफ है यानी कि टॉप का जो पार्ट है वो हार्ड होता है। तो इसके लिए मुझे हार्ड ब्रश के थ्रू ही इसको इरेज करना होगा। दोस्तों इस इमेज को इरेज करने के लिए जो खास टूल आपकी हेल्प करेंगे उसमें से एक है जूम इन जूम आउट। इसके लिए आपको ऑल्ट प्रेस करके रखना है और माउस के स्क्रॉल अप करने से आपकी इमेज जूम होगी और स्क्रॉल डाउन करने से जूम आउट। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एंकर पॉइंट आपका है यानी कि जो नॉट दिखाई दे रहा है, ब्रश दिखाई दे रहा है, या आप जिस डायरेक्शन में रखोगे उसी डायरेक्शन में आपकी इमेज जूम होगी। दूसरा टूल जो आपकी हेल्प करेगा वो है स्विच फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। कई बारी आपको इन कलर्स को यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट को स्विच करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर कई जगह पर आपको मिटाना या रिकवर करना पड़ सकता है। तो आपको ये वीडियो ज्यादा बोरिंग ना लगे इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दूंगा ताकि जल्दी से मैं इसका आउटपुट आपको दिखा सकूं। यहां पर मैं ब्रश को बिल्कुल सॉफ्ट कर दूंगा और साइज थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और इस ब्रश की ऑपेसिटी रखूंगा लो, ताकि हल्का हल्का यहाँ पे जो ग्रास है वो इन प्लांट्स के साथ कंपोज हो जाए, यानी कि हल्की हल्की सी मिक्स हो जाए। तो परफेक्टली हमने यहां पर हट सेट कर लिया है। अब बारी आती है दूसरे घर की,
तो इसके लिए जाएंगे फाइल मेन्यू में प्लेस और यहाँ पे यूज करेंगे दूसरा हट, काफी बड़ा दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर आपने ट्रांसफॉर्म क्लोज कर दियो और आपने दोबारा इसे ट्रांसफॉर्म करना हो, यानी कि अगर फोटो को फ्लिप करना हो या फिर रिसाइज करना हो तो कैसे करेंगे? इस टाइम मैंने लिया हुआ है मूव टूल और सिलेक्ट करी हुई है इमेज, ऊपर ऑप्शन बार के अंदर यहाँ पे शो करता है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, इसको ऑन करने के बाद मैं इसे दोबारा से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तो इसे इसके एक्चुअल साइज में या इमेज के अकॉर्डिंग जितना मुझे साइज देना चाहिए उतना साइज देने के बाद ट्रांसफॉर्म एंटर प्रेस करके मैं क्लोज कर दूंगा। अब इसमें भी मास्क ऐड कर देते हैं और ब्रश टूल लेंगे, ऑपेसिटी कम थी मैं ऑपेसिटी वापस फुल कर देता हूं और जो बाकी का पार्ट था इसे इरेज करूंगा। यहां पर भी मुझे हार्ड ब्रश की जरूरत पड़ेगी, तो ब्रश की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो हमें यहीं से मिलती है या आप स्क्रीन पर राइट क्लिक करके भी ब्रश का साइज और हार्डनेस को कंट्रोल कर सकते हो। अब गलती से हटका, यहां से थोड़ा सा हिस्सा मेरा मिट गया है तो इसको एक्स से मैं स्विच करके वापस से क्रिएट कर दूंगा। एक और हट है पीछे, इसको भी ठीक कर देंगे। यहाँ पे मैं हार्डनेस कम कर देता हूँ और साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि इसको सॉफ्टली मैं कंपोज कर सकूँ। बस ये लाइट कलर की ग्रास अलग से ही दिखाई दे रही है इसके अंदर, तो मुझे इसको तो इरेज करना ही पड़ेगा। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारी जो कंपोजिशन है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ओके दोस्तों, अब बारी आती है इस फोटो के अंदर कलरिंग की। कलर थोड़ा सा मैं एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इस माउंटेन के अकॉर्डिंग इन सभी चीज़ों को एडजस्ट कर सकूं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो ग्रास और रिवर है इसका कलर मैं सेट करूंगा, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे टूल्स काम नहीं करते, वैसे कई सारी कलर सेटिंग भी काम नहीं करती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे इस लेयर पर राइट क्लिक करके, थंबनेल पर नहीं, ये दोनों थंबनेल है, इन थंबनेल के अलावा यहां पर जो आपके लेयर्स के नाम दिख रहे होंगे इन पर आपने राइट क्लिक करना है और क्लिक करना है रेस्टराइज लेयर पर, जिससे आपकी लेयर जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। फिर हम जाएंगे इमेज मेन्यू में एडजस्टमेंट के अंदर और इसमें यूज करेंगे ह्यू एंड सेचुरेशन, जो कि कलर टोन एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी थोड़ी सी टोन मैं एडजस्ट करूंगा, पीलापन लेकर आऊंगा और थोड़ा सा कलर ब्राइट कर दूंगा। तो अब ये हमारी पीछे वाली इमेज के ग्रास के अकॉर्डिंग मैच हो गई है। ओके, और ये ग्रास हमारी इस ग्रास के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट हो गई है। थोड़ा सा हट का कलर मैं डल कर देता हूँ क्योंकि इमेज के अकॉर्डिंग ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है, तो इसके लिए मैं इस लेयर को भी रेस्टराइज करूँगा। इमेज एडजस्टमेंट ह्यू एंड सेचुरेशन, थोड़ा सा कलर डल कर देता हूँ। और जो पीला बंदा वो मैंने हटा दिया। ओके, अब इस हट की बारी आती है, ये थोड़ा सा फेड है बाकी के हट के अकॉर्डिंग, तो इस पर भी मैं राइट क्लिक करके इसे रेस्टराइज कर देता हूँ और जाता हूँ इमेज मेन्यू में एडजस्टमेंट के अंदर ह्यू एंड सेचुरेशन
और इसकी सेचुरेशन मैं बढ़ा दूंगा। तो अब बाकी हट के अकॉर्डिंग ये भी ब्राइट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से कई सारी आप अलग अलग इमेजेस को मिलाकर एक नई कॉम्पोजिशन जिसे हम कहते हैं मैट पेंटिंग आप क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बने हुए बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले पहुंचे आपके पास। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।